ओम शांति। जीवन में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं बैलेंस ब्रिंग्स ब्लेसिंग एंड ब्लिसफुल लाइफ। देखा गया है कि जो बिजनेस में होते हैं उनका दिन रात बिजनेस का ही चिंतन चलता रहता है। घर में आने के बाद भी फोन्स मीटिंग्स आदि आदि चलती रहती है। तो ब्रह्मा कुमारियाँ शिक्षा देती है बिजनेस भी करो परंतु फैमिली को भी ध्यान दो। विशेष जब बच्चे छोटे हैं उनको अटेंशन देना पड़ता है। क्योंकि बच्चों को प्यार भी चाहिए तो डिसिप्लिन भी सिखानी पड़ती है। माँ प्यार देती है, बाप डिसिप्लिन सिखाते हैं। माँ से बच्चे इतना डरते नहीं, बाप से थोड़ा डर कर चलते हैं। तो इसलिए बच्चों की तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए कि बच्चे स्टडी करते हैं नहीं करते हैं, उसके कौन से फ्रेंड्स हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं आदि आदि। क्योंकि आजकल बच्चे संग दोष में छोटी छोटी आयु में भी ड्रग्स का सेवन करना शुरू करते हैं। तो इसलिए माँ बाप को उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। तो फैमिली लाइफ भी ज़रूरी है, युगल को भी ध्यान देना पड़ता है कि अपनी युगल है, खुश है। वीकेंड को फैमिली के साथ घूमने जाना है आदि आदि, बाहर जाना है, उनों को पार्क में ले जाना है या मूवी में ले जाना है या रेस्टोरेंट में ले जाना है, जो भी करना है। तो वीकेंड को तो विशेष फैमिली के लिए देना पड़ता है। तो बिजनेस में हम लोग कहते हैं 8 घंटा अपने शरीर को दो, क्योंकि खाना पीना सोना स्नान करना आदि आदि 8 घंटा तो शरीर को भी देना पड़ता है। 8 घंटा अपने बिजनेस को दो, या जो माताएं हैं अपना घर काम ये वो उसके लिए दो 8 घंटा। फिर भी 8 घंटा आपके पास रहते हैं अपने स्पिरिचुअलिटी के लिए। क्योंकि आपने अभी तक सुना होगा कि ज्ञान का और योग का अभ्यास जरूरी है। जैसे शरीर को हम रोज भोजन देते हैं, दिन में कम से कम हम 3 बार भोजन करते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, और साथ में बीच बीच में चाय कॉफ़ी बिस्किट्स कुछ स्नैक्स आदि भी लेते रहते हैं। तो शरीर को कितनी बारी शक्ति के लिए भोजन देते हैं।
इसी रीत से आत्मा को भी ज्ञान योग का भोजन जरूरी है। कम से कम 3 बारी योग में बैठें और कम से कम 1 बारी ज्ञान का अध्ययन करें, क्योंकि 7 दिन के कोर्स के बाद सेंटरों पर रोज सवेरे क्लासेस चलते हैं। तो यहाँ आप 3-4 दिन तो ये अभ्यास करेंगे और कोर्स करेंगे, उसके बाद भी यदि आपने कोर्स नहीं किया है तो सेंटर पर जाके ज़रूर कोर्स करना, और बाद में भी चाहे रोज सेंटर पर जा सको या ना जा सको, परंतु घर में भी अपना योग का अभ्यास यदि चालू रखेंगे और सवेरे का जो क्लास है वो YouTube में भी आता है, पीस ऑफ माइंड चैनल में भी आता है, तो उस पर घर में भी आप सुनेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका रोज का ज्ञान का और योग का अभ्यास आपको आंतरिक शक्ति देगा। क्योंकि अभी अभी आपने सुना हमें ऑनेस्टी चाहिए, सत्यता चाहिए, कई गुण जीवन में धारण करने हैं और कई अवगुण जैसे क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये सब छोड़ना है। और सब कहते हैं, भक्ति में भी कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, कपट नहीं करना है, दुश्मनी नहीं करनी है, आदि आदि। तो ये जीवन में धारण करने के लिए, अच्छाई जीवन में धारण करने के लिए और बुराई जीवन से छोड़ने के लिए ये स्पिरिचुअल स्टडी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सारी जिंदगी जानते हुए भी हम कर ना पाए, कारण क्या? कारण हमारी कमजोरी है। तो यदि ये हम समझ जाएंगे कि ये हमारी कमजोरी है, तो कमजोरी को मिटाने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। जैसे किसी का शरीर कमजोर होता है तो क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे, खाना ऐसा खाएंगे और विटामिन की गोलियां खाएंगे, आदि आदि। तो हम शरीर की तो बहुत संभाल करते हैं, पर मन आत्मा की इतनी संभाल नहीं करते हैं। हमारा जो स्वभाव संस्कार जैसा है हम चलाते रहते हैं, और फिर गुस्सा आ गया तो बहाना करेंगे, इसने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना था, इतनी बारी हमने कहा फिर भी करता है, गुस्सा नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं? परिस्थिति को दोष देते हैं, व्यक्तियों को दोष देते हैं। और कहेंगे भाई धंधे में झूठ, पाप, चोरी नहीं करेंगे, ठगी नहीं करेंगे तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? देखो फलाना झूठ बोल के कितना कमाता है,
तो आजकल इंडियन माल का लोगों को विश्वास नहीं रहता, कहेंगे कि दिखाते एक है सैंपल और भेजते दूसरा माल है। और कमाई के लिए खाने में भी मिलावट करते हैं, दवाइयों में भी मिलावट करते हैं। तो क्या है कि जो जनता को नुकसान होता है उसके जिम्मेवार कौन बनेंगे? मिलावट करने वाले। तो आजकल यही कंप्लेन आती है कि फलों को अच्छा दिखाने के लिए उस पर कलर स्प्रे करते हैं, सब्जियों को अभी अच्छा कलर दिखाने के लिए कलर करते हैं, मसाले में भी मिलावट करते हैं। तो क्या है कि धन तो कमा लेते हैं और साथ साथ पाप का खाता भी जमा होता जाता है। इसलिए हमें जितना हो सके सफाई से, ऑनेस्टी से, सच्चाई से नौकरी धंधा करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि कईयों को नौकरी में लांच लेनी पड़ती है क्योंकि चेन होती है ऊपर से लेकर नीचे तक, यदि बीच में कोई भी लांच नहीं लेता है तो चेन टूट जाती है तो उसको नुकसान हो जाता है। तो नौकरी की बात अलग है, बिजनेस अपने हाथ में है, इंडस्ट्री अपने हाथ में है। तो इसलिए यहाँ से आप जो शिक्षा ले जाते हो तो ये जीवन में जरूर लाने का आप प्रयास करना, तो आप में आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ती जाएंगी और पुण्य का खाता भी जमा करते जाएंगे। क्योंकि आप यदि झूठ, चोरी, पाप, लांच, रिश्वत से यदि गलत काम करते हैं तो नेचुरली पाप का खाता बढ़ता जाता है। भल पैसा जमा होगा पर तो साथ साथ पाप का खाता भी जमा होता जाता है। इसलिए कर्मों की गति आप लोगों ने समझी होंगी, तो जितना कर्मों की गति समझकर अपना जीवन श्रेष्ठ बनाएंगे और जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए आप योग का अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे सफलता जरूर मिलेंगे। आपको डरना नहीं है क्योंकि शुरू में तो बहुत डरते थे, ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे तो संसार छोड़ना पड़ेगा। नहीं, हमारे पास लाखों लोग हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी धंधा करते, इस आध्यात्मिक जीवन में
प्रगति करते हैं। आपने ये दो दिनों में कईयों को सुना होगा जो परिवार में भी रहते हैं और अपना धंधा भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, तो एक तो ये डर नहीं रखना है कि आपको घर बार छोड़ना पड़ेगा और भी आपका घर बार परिवार सुखी बन जाए। क्यों? कि यदि आप है क्रोध त्याग करके शांत रहते हैं, आपका स्वभाव मधुर प्रेम स्वरूप बनता है, तो क्या होगा, नेचुरली परिवार भी आपसे प्यार करेगा, सुखी रहेगा, आपसे उनको कटु वचन नहीं सुनने मिलेंगे और स्नेह से मधुरता से आपस में लेन देन करके आप निर्णय कर सकते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कि कई बी के सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, तो ये भी डर नहीं रखना कि आपको सफ़ेद वस्त्र पहनने पड़ेंगे। जो भी बी के हैं स्टूडेंट लाइफ में हैं या सरेंडर लाइफ में हैं, तो नेचुरली है कि ये स्टूडेंट का यूनिफॉर्म है। जब स्कूल में जाते हैं तो स्टूडेंट यूनिफॉर्म में जाते हैं, फिर नौकरी धंधे पर जाते हैं तो अपने कलर ड्रेस में जाते हैं, और कई है सीधा सत्संग में आकर धंधे पर नौकरी पर जाते हैं, तो सेंटर पर भी कलर ड्रेस पहन के आते हैं, सीधा चले जाते हैं। इसलिए ये भी डर नहीं रखना कि आपको हमेशा सफ़ेद ड्रेस ही पहनना पड़ेगा। और ये भी नहीं समझना कि ब्रह्मा कुमारियाँ आपका घर बार लूट लेंगे, क्योंकि शुरू शुरू में सिंधियों में यही फीलिंग थी कि ब्रह्मा कुमारी बनेंगे तो घर बार लूट जाएंगे, जो भी है अपना सरेंडर कर देंगे, तो ये भी डर नहीं रखना। क्योंकि जो भगत लोग हैं वो क्या करते हैं, आगे के जमाने में हमारे ब्रह्मा बाबा थे, भक्ति में भी क्या करते थे, जो भी कमाई होती थी 10-15% दान पुण्य करते थे, मंदिरों में जाते थे। उन्होंने अपने बच्चों को भी सिखाया था कि रोज बाबा उनको जो पैसा खर्ची देते थे, कहते थे उसमें से 10% भगवान के आगे, घर में ही मूर्ति थी उसके आगे बच्चे रखते थे। तो इसलिए जो भी बीकेज है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, अपनी यथाशक्ति अपनी कमाई के 10-15% संस्था में देते हैं, ताकि संस्था हम बाहर वालों का नहीं लेती है, पर जो स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट है, वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। क्योंकि ये संस्था में जुड़ने के बाद उनकी काफ़ी बुरी आदतें छूट गई, सिगरेट पान, शराब, रेस्टोरेंट में खाना,
मूवी में जाना सब छूट गया, क्योंकि मूवी क्या है, संसार की बातें हैं जो हम रोज़ देखते हैं वही है, उसमें कुछ नया नहीं है। और थिएटर में तो आजकल जाना भी बहुत कम हो गया है, थिएटर काफ़ी बंद हो गए हैं, क्योंकि घर बैठे वीडियो में देख सकते हैं। परंतु वो भी देखने में क्या है, संसार की बातें हैं, आंखें भी खराब होती है, समय भी जाता है, और कोई नई बात नहीं। तो इसलिए हम सोचते हैं क्यों न योग द्वारा हम सच्चा और परमानेंट सुख पाए। मूवी देखते देखते कभी ट्रेजिक मूवी होती है तो रोना भी आता है, परंतु ईश्वर की याद में यदि कभी प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं कोई बात नहीं, बाकी सुख ही सुख है। प्रेम भी मिलता है, सुख भी मिलता है, शांति भी मिलती है, सब कुछ मिलता है। तो आर्टिफिशियल टेम्पररी सुख के लिए क्यों भटके। तो इसी रीत से जीवन में सादगी आ जाती है, क्योंकि सच्चा श्रृंगार क्या है, शास्त्रों में भी कहा है कि हाथ का श्रृंगार है दान पुण्य, ना कि कंगन। कान का भूषण इयररिंग नहीं, शास्त्र सुनना। कंठ का भूषण भगवान के गीत गाना। तो भूषण ही किम प्रयोजनम, के हार कंगन इयररिंग आदि आदि का क्या प्रयोजन है, क्या जरूरी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि क्यों नहीं हम रूहानी आभूषण पहने। और सादगी है तो हमको बहुत सोचना नहीं पड़ता कि आज क्या साड़ी पहने, कौन सा ब्लाउज पहने, अभी कौन सा फैशन है, कौन सा नया कलर है, कौन से नई डिज़ाइन के ड्रेस है आदि आदि। क्योंकि नया ड्रेस खरीदना है ज़्यादा पैसे चाहिए, और फिर पैसे चाहिए लोभ लगेगा, लोभ लगा चोरी झूठ पाप करके भी पैसे कहाँ से इकट्ठे करेंगे। तो क्या है कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों का जीवन सादगीमय है परंतु सुखमय भी है। ईर्ष्या की बात नहीं, क्योंकि जो कंपैरिजन कंपटीशन करते हैं उनको क्या होता है, ईर्ष्या भी होती है। इसका हमारे से अच्छा है, इसका मकान हमारे से अच्छा है, इसकी गाड़ी हमारे से अच्छी है, इसके पास हमारे से ज़्यादा पैसा है। तो या तो ईर्ष्या होती है या तो सम्मान की कमी होती है। परंतु जब अविनाशी खजाने हमको मिल जाते हैं तो आंतरिक संतुष्टता रहती है, लोभ छूट जाता है। तो इसी रीत से ये स्पिरिचुअलिटी हमें सादगीमय जीवन भी सिखाती है तो संतुष्ट रहना भी सिखाती है। तो इसलिए बैलेंस जरूरी है। बिजनेस भी करो क्योंकि कमाई करनी है, तो साथ साथ हमें फैमिली का भी ध्यान रखना है।
जिम्मेवारी भी निभानी है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मेजॉरिटी इस संस्था में समर्पित होने वाले कुमारियां हैं जिनके परिवार की जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि शादीशुदा परिवार की जिम्मेवारी रहती है बच्चों की पालना, उनके लिए कमाई करना, खाना पीना पकाना, पर कुमारियों की जिम्मेवारी कुछ होती नहीं, तो वही समर्पित यहाँ होती है। तो इसलिए ऐसे भी नहीं कि सिर्फ ब्रह्मा कुमारियाँ माना कुमारियाँ ही है, यहाँ सबसे ज़्यादा गृहस्थी है, माताएं, पुरुष, भाई, बहनें सब है, परंतु जो स्वतंत्र है, जिनके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है, वो कुमार कुमारियाँ समर्पित हैं। वो भी समझो जो सेंटरों पर भी रहने वाले हैं, मधुबन में भी रहने वाले हैं, कुछ परिवार में कुछ तकलीफ़ है, जाकर उनकी सेवा करते हैं, मदद करते हैं। तो इसलिए ये ब्रह्मा कुमारियों का जीवन ऐसा जीवन है, सुखमय, शांतिमय, संतुष्ट, प्रेममय, मधुर, नम्र, सब गुण जीवन में आ सकते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में बैलेंस जरूर रखना। ओम शांति।